इस स्टेशन को देखकर आप लोग पहचान ही गए होंगे कि हम पारसनाथ में हैं। पारसनाथ स्टेशन है। अब आइए हम प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश द्वार है और जैसे ही ये ईसरी शुरू हो जाता है, पारसनाथ स्टेशन में ईसरी है। अब आप देखिएगा जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो सबसे पवित्र स्थल तीर्थराज समवेश शिखर जी की यात्रा लोग बिना इस स्टेशन के प्रारंभ नहीं करते हैं। यहाँ आते ही आते हैं। और यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये अंडे की दुकान है और देख लीजिए यहाँ पर मांसाहार बिक रहा है। अब आप सोचिए कि अगर समवेश शिखर जी में मांसाहार की दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी, इस तरह से खुले हम अगर अंडा बिकेगा तो आप बताइए ये समवेश शिखर जी की पवित्रता क्या होगी। तो आप लोग अगर यह प्रयास करें, जो भी समाज के श्रेष्ठ वर्ग हैं, कितनी संस्थाएं हैं उनका तो नाम लेना भी मुश्किल है, इतनी संस्थाएं हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं है। वो संस्थाएं अगर इस तरह के, जब भी कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आता है और यहाँ पर आकर अगर शिकायत करता है, सरकार से बात करता है या यहाँ के जो ईसरी के जो मुखिया हैं उनसे बात करता है, तो निश्चित ही ये सब जो प्रवेश करते ही मांसाहार स्वागत करता है, अंडे की दुकान स्वागत करती है, वो नहीं करेगी। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा गलत लगा मुझे, इसलिए मैं आप सभी तक पहुँचा रही हूँ। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और शेयर करके बताइएगा कि यहाँ पर अंडे की दुकानें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे खुलेआम अगर अंडा बिकेगा तो आप ये सोचिए कि जो जैन यात्री हैं उनकी तीर्थ स्थल पर आने की भावना जो है वो कितनी ज़्यादा मन में संक्लेशता रहेगी और वो कितने ज़्यादा दुखी होंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए और इस पारसनाथ स्टेशन को पूरी तरह शुद्ध बनाइए।